नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सरोज साइल 08। टुडे वी आर गोइंग फॉर अ इवनिंग वॉक। जो हमारे घर के सामने एक माउंटेन है, तो माउंटेन के ऊपर हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और सनसेट होने से पहले हम लोग निकले हैं ताकि हम लोग थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर करके फिर सनसेट बीच के ऊपर देख सके। तो सब बी केयरफुल। दैट साइड इज द सी। लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, आई डोंट नो इवन हाफ ऑफ देम। दिस इज वन रोड गोइंग दिस साइड। These are just basic raw roads. You can see lot of bird chirping. Their sound is so beautiful to hear. Sun is setting. After this we'll go on a beach so that we can see the sunset at the beach. सुंदर फूल आहे ना, छान छान झाड फुलं मिळाली ना आपल्याला। त्या फुलचं नाव काय आहे? जुई। पण इथे कुठे सावकाशात घाला विजय। वाव, दाखव कशी दाखव मग मला। आय कांट सी। वाव, मोर येतात इथे खाली याच्यामध्ये। कुठे नाही ते मोर पीस नाहीये साल, एकदम ह्याच्यामध्ये हात घालू नका जास्त। अरे यार, कशीला मोर पीस मिळालं? राजदादाला पण मोर पीस मिळालेला। सो इट्स ओके, वी गॉट टू। चलो अजून दिसतील आपल्याला पुढे पुढे। कशी खाली जमिनीला लावू नको, खराब होणार ते बेटू। कशी पिकॉकचं पीस आहे ते माहिती तुला? मोर असा ना नाचतो ना पावसामध्ये, मग त्याच्याशी थोडे थोडे पीस पडतात हळू हळू, व्हेरी स्लो। काय काय खूप पत्थर आहे। नको खराब करू। सो आफ्टर अ वॉक वी जस्ट हैड अ स्नैक और थोड़ा सा फ्रेश होके हम लोग बीच पे आ गए हैं। दिस इज जस्ट अ ब्रीथ टेकिंग व्यू। यू कैन सी द ब्यूटिफुल सनसेट। ऐसे लगता है कि बस हम लोग यही देखते रहे। दिस इज जस्ट ऑसम। You can hear the beautiful sound of waves, also the breeze, and it is beautiful to hear. This is a local fisherman from our village. He is trying to catch some fish for the dinner, and they have to try many times. They particularly follow some waves and look for the sign of the fish. He hasn't got anything this time. He will try again after some time. A
अभी बच्चों ने और पापा ने बहुत सारी मस्ती कर ली है पानी में. नाउ इट्स माय टर्न. बाय.